बहुत चले गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत पहले आए होंगे और वो गुंडई करके चले भी गए होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ काम होता है। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे 2 साल नहीं 1.5 अभी हुए हैं और 2 होने वाले हैं। हमने कम से कम नहीं तो 82 रोडे पहुंचा दी है, आपकी रोडे आप हमें लिखे दो और मेरा विश्वास करो, मेरा आने वाला फंड है और हम इस रोड को बनवा देंगे। हमें किसके दरवाजे पर कहां तक है, शमशान घाट कितना है, 500 मीटर तक मेरी तुरंत बनती है, 800 मीटर है, मैं उसको करा देंगे, मुझे लिखित में दे दो। और मैं वादा नहीं करती हूँ कि हम वादा करके चले जाएं और फिर इसके बाद काम नहीं, सिर्फ मैं काम देखती हूँ। आप भी देखते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती हैं, सुबह उठती हैं, घर की सफाई करती हैं, परिवार में अगर पति कहीं काम पे जाता या ड्यूटी जाना आने वाला है, आप ऐसी बटन दबाना, आप कमल पर मोहर लगाना, जो दोबारा आपके बीच में ऐसे चिंता करने वाले प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से निकल कर आपके बीच में आए हैं, जो सबकी चिंता करने वाले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और हमारे सभी जो भी आपकी रोड के लिए भी, बस आपने बोला है मैं रोड की चिंता करते हुए मेरा फंड जैसे ही आएगा मैं उसको बनवा देंगे। और कोई बात हो तो हमें लिखे दे देना, हम उसके लिए आपसे वादा नहीं करते हूँ, काम करेंगे आपके बीच में। और हमारी जहाँ भी रोडें पहुँचती हैं, रोड तो आपने दी है लेकिन वहाँ पर विवाद ना होना चाहिए। टकपुरा में हमारी रोड बनी, बहुत विवाद हुआ, मुझे पुलिस को फोन करने पड़ती है। चाहे सत्तापुर में मेरी रोड बन रही है, अभी अथपर है, फूलपुरा में रोड बन गई है, उसमें भी पुलिस को फोन करने पड़ा तब रोड बन पाई है। और ये हमारे सुंदरिया के प्रधान बैठे, इनके यहाँ हमारी 2 रोडें बन गई है, हमारी कुलटरा में रोड बन गई है, 3 रोडें कुलटरा में, भावपुर, भड़ारीपुर, और 10 रोडें हमारी औरैया में बन चुकी हैं। तो ऐसे बहुत से गांव हैं, मैं गिनाना नहीं चाहती हूं, और किसी दिन आएंगे जब आपको दे देंगे तो आप देख लेना। मैं विकास के नाम पर आपको ज्यादा नहीं तारीफ करती हूं, जो तुम्हारे आगे समस्या है आप हमें लिख के दे देना, मैं उस काम को पूरा करेंगे। भारत संकल्प यात्रा जो भारत में चल रही है, जो योजना है, जो लाभ हमारे लाभार्थी तक पहुँच रही है और जो 24 आने वाला है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो कहता है जादू है, और 2024 में कहते हैं 400 सीटों पार, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? 400 सीटें पार है, ये प्रधानमंत्री जी का यही तो जादू है, क्योंकि सिर्फ भारत में जो हमारी लाभार्थी है, कोई भी वंचित न रह जाए, जिसको लाभ सभी को लाभ मिलेगा, यही और जनता भी भारत में प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं और वो फिर भी बने हुए हैं। 400 सीटें पार।